ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू बेड का टूटा घमंड। टॉस जीतने से ये नहीं हो जाता कि आप जो है ये मुकाबला जीत गए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब टॉस उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू बेड टॉस जीत गए और टॉस जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश हुए और रोहित शर्मा पर भी एक बार हंसे। तो मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा ने मुंह तोड़ जवाब दिया मैथ्यू बेड को, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। उन्होंने कहा कि टॉस जीतने से कोई ये डिसाइड नहीं हो जाता कि आप वर्ल्ड कप का यानी कि T20 का चौथा मुकाबला जीत गए, ये तो मुकाबला शुरू होगा तब हम बताएंगे। हालांकि रोहित शर्मा ये बात जो है मैथ्यू बेड को काफी ज्यादा चुभी और उन लोगों ने काफी बढ़िया गेंदबाजी करके हालांकि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर और दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ियों को आउट कर दिया। आप सभी को बता दूं कि जहां पर T20 के तीसरे मुकाबले में 223 रन का टारगेट था, वहीं पर इंडिया टीम का 174 रन का टारगेट रह गया। आप सभी को बता दूं कि इतने कम रन पर कैसे इंडिया जीत पाती। आप सभी को बता दूं कि 174 रन का टारगेट और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को बनाने थे जीत के लिए 175 रन, जो काफी छोटा स्कोर था ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान काफी ज्यादा खुश हुए थे इतना छोटा टारगेट देखकर और बार बार यही कह रहे थे कि इतना छोटा टारगेट तो हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथ्यू बेड हारने के बाद क्या बोले, आप सभी को पूरा का पूरा लाइव वीडियो दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी। आप सभी को बता दूं कि मैथ्यू बेड की तरफ से जो है जो अच्छे से अच्छे बल्लेबाज यहां पर बैटिंग कर रहे थे, हालांकि इंडिया टीम की बॉलिंग में शुरुआत काफी ज्यादा खराब हुई और बाद में जो है बॉलिंग करने के लिए हर्षदीप सिंह और दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी आए जिन्होंने विकेट पर विकेट चटका। जी हां, मैं आपको बता दूं किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 6 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी की पूरी इधर से उधर बिखर गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथ्यू बेड ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है। आप सभी को बता दूं कि 20 रनों से ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारतीय टीम ने हराया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और कप्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है कि टॉस जीतने से कोई पहले बल्लेबाजी नहीं करने लगता या कोई मैच नहीं जीत जाता या कोई मुकाबला नहीं जीत सकता, ये तो टॉस के बाद डिसाइड होता है। ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला हार गई। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं और मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने बहुत ही बड़ा चौंका देने वाला बयान दिया है। मैं आपको बता दूं कि बेड ने कहा है कि मैं ये मुकाबला हारा हूं तो इंडिया ने इसमें बेईमानी की है, लेकिन यहां पर बेईमानी 1% भी कहीं पर नहीं हुई है। सभी के सामने लाइव मैच चला यहां पर जो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ी बेईमानी करके हमें मुकाबला हराया गया है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहा कि तुम अब ये मुकाबला हार चुके हो, ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू बेड ने जवाब दिया कि हां चलो हम हार गए, लेकिन T20 के 5वें मुकाबले में तुम जीत कर नहीं जाओगे। आप सभी को बता दूं कि मैथ्यू बेड ने काफी बड़ा बयान दिया है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हम अभी से अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे, आपको T20 के 5वें मुकाबले में भी देख लेंगे कि कौन कितने पानी में है। आप सभी को बता दूं T20 का 5वां मुकाबला अगर आपको देखना तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।